जीभ देखकर आप कैसे बता सकते हैं इनके हस्बैंड को क्या बीमारी है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? एक्चुअल में क्या, आयुर्वेद में कई तरह से व्यक्ति की एक तो प्रकृति पहचानी जाती है जी, और क्या उसके तकलीफ आ सकती है वो पहचाना जाता है जी। आयुर्वेद में हम देखते हैं जीभ, जो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं हाँ जी, वो जीभ देखते हैं। अगर तो जीभ मोटी है जी तो लीवर फैटी है। अच्छा, अगर जीभ पतली है और साइडों पे ऐसे ऐसे लहर बनी हुई है जी, तो मतलब किडनी में सिस्ट है या किडनी में स्टोन है या किडनी में इंजरी है या किडनी खराब होने की तरफ चल रही है जी। अगर जीभ में नीले रंग की दो लाइनें बन रही हैं तो इसका मतलब है आपका गॉल ब्लैडर में स्टोन है। अच्छा, या होने वाला है, या लीवर में स्टोन है जी, तो या तो गॉल ब्लैडर कट चुका है या कटने की तैयारी है। अच्छा, कटवा देते हैं ना लोग एलोपैथी में तो। और अगर जीभ में क्रैक है जी, तो कहीं भी जहां पे क्रैक है उस हिस्से में कौन सा अंग लगता है वो अंग प्रॉब्लम में। जैसे अपनी बॉडी को ऐसे उल्टा रख दो जीभ पे। अच्छा, यानी कि जो नीचे के ऑर्गन्स है वो पीछे चले गए, आगे के ऑर्गन्स लंग्स आपके आगे आ गए जी। अब जीभ में चेक करो कहाँ कहाँ क्रैक है। अच्छा, तो जिस जगह क्रैक है अंदाजा लगाओ वहाँ कौन सा ऑर्गन फिट आ रहा है जी जी। अगर पूरी जीभ बीच में से क्रैक है, कई लोगों की पूरी जीभ क्रैक होती है। अच्छा, तो मतलब पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक आपका डिस्टर्ब है। आपको अल्सर हो सकता है, अपेंडिक्स हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक हो सकता जी। है। और अगर पिछले हिस्से में कुछ दाने उभरे हुए हैं, कुछ मांस उठा हुआ है, तो आपके जेनिटल ऑर्गन्स, जैसे पुरुष है तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, फीमेल्स है तो उसको कोई ना कोई वेजाइनल इशू होगा, यूटीआई होगा, या यूट्रस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर अगली तरफ कट है साइडों पे तो लंग्स की प्रॉब्लम होगी जी। तो आयुर्वेद में जीभ देख के, नाड़ी देख के, आंखें देख कर, अच्छा, और धरन चेक करके जी। धरन नाभि को नहीं चेक करते, धरन नाभि से चेक करते, हाथ में यहाँ पे ये पॉइंट दबा के चेक करते हैं। अच्छा, अगर इस पॉइंट को दबाने से भयंकर दर्द हो रहा है जी, तो इसका मतलब धरन पड़ी हुई है। या दोनों हाथों की लकीरें मिला के पूरी चेक करते हैं आगे तक, जैसे यहाँ से लकीरें मिलाओ पूरी, हाँ हाँ, आगे तक की सारी लकीरें मिलनी चाहिए। अच्छा, ये सारी हमारे हाथ की लकीरें सेम होनी चाहिए, अदरवाइज ये वाली मिलाएंगे ना बड़े वाली, हाँ जी, हाँ जी। तो आगे वाली ऐसे आगे पीछे हो जाएगी जी, बिल्कुल। तो मतलब धरन पड़ी हुई है, यानी कि नाभि सरकी हुई है। अच्छा अच्छा, और अगर नाभि सरकी है तो आपको गैस ज्यादा बनेगी, तेजाब ज्यादा बनेगा, पेट खराब रहेगा, आपका खाना अच्छे से हजम नहीं होगा, आपको लीवर फैटी हो सकता है, कई इश्यूज आ सकते हैं। और मतलब मैंने तो नोटिस करा है हमारे हॉस्पिटल में किडनी फेल का पेशेंट होता है, 40% लोगों के किडनी फेल वाले को पता ही नहीं होता, उनको धरन पड़ी होती है, किडनी फेलियर, किडनी फेल हो चुकी है, हाँ हाँ। लेकिन पेशेंट को पता ही नहीं उसको धरन पड़ी हुई जी, है जी। ऐसे ही लीवर फेल के कम से कम 50% पेशेंट को पता ही नहीं होता उनको धरन पड़ी हुई है जी। ऐसे माइग्रेन के पेशेंट में देखा मैंने 80-90% चांसेस में धरन पड़ी होती है जी जी जी। मतलब माइग्रेन है, दर्द की गोली खा रहे हैं, सिर पे पट्टियां बांध रहे हैं, कोई ना कोई बाम वाम लगा रहे हैं, लेकिन धरन नहीं चेक करते। और धरन निकालना बड़ा आसान है, दोनों पैर सीधे करके जमीन पे सीधे लेट जाओ जी, और दोनों पाओं को ऊपर उठाओ लगभग 1 फीट तक। अच्छा, और रोक के रखो 10-15-20 सेकंड और धीरे धीरे नीचे ले आओ जी। ऐसा 3 बार करना होता है। अच्छा, या व्यक्ति को सीधा खड़ा करके हाथ मोड़ के ढीला छोड़ के बॉडी को, ये जो नस होती है यहाँ पे जी, इसको बाहर, जैसे बचपन में स्कूल में डड्डू निकालना पड़ता था ना, वैसे करके डड्डू निकालते थे, वो डड्डू निकालने हैं बस 3 बार, इस हाथ से 3 बार, तो धरन ठीक हो जाती है। तो मतलब बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पर ये दोनों चीजें आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, धरन का और बाकी जो समस्या शरीर में चल रही है कैसे कनेक्टेड है? हम जब पैदा हुए थे माँ के पेट से तो हम कहाँ से जुड़े हुए थे जी? जो हमारी नाभि से, नाभि से जुड़े हुए थे, नाभि एक नाड़ू के रूप में माँ के अंदर जुड़ा हुआ था, प्लेसेंटा से, ठीक है। अब हम खा कहाँ से रहे थे उस, जब माँ के पेट में थे, नाभि से, नाभि से, बिल्कुल। ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे थे? नाभि से। सुन कहाँ से रहे थे? नाभि से। तो सारा कुछ नाभि, और जो हम वेस्ट छोड़ रहे थे, अपना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे थे, या जो हम स्टूल पास कर रहे थे बेसिकली उस टाइम एनर्जी के रूप में, तो नाभि से ही जी। तो इसका मतलब नाभि में सारी नसें जुड़ी हुई हैं। तो नाभि शरीर का सेंटर होती है जी। 72,000 नस नाड़ियां हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जी, पुराने टाइम में जो बताया गया, वो सब नाभि से जुड़ी हुई हैं।